हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टीचिंग क्लास 12th एंड दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन टेबुलेशन ऑफ मार्क्स। दिस इज कंप्यूटर कॉन्सेप्ट से के पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग मार्क्स को मॉडरेट करें। और टेबुलेशन आप पहले कर चुके हैं। हम लोग इस इंतज़ार में थे कि हिस्टोरिकल डेटा सीबीएसई की वेबसाइट पर स्कूल आईडीज़ में आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग टेबुलेशन करेंगे। फिर भी मैंने एक अपने अंदाज से टेबुलेशन के लिए एक हिस्टोरिकल डेटा इमेजनरी उठा लिया है, और उसके थ्रू इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि किस तरह से हम अपने टेबुलेटेड डेटा का डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मॉडरेशन कैसे कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। ये पॉलिसीज़ के जो बाइफर्केशन ऑफ मार्क्स मैं पहले बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, इस पर ज़्यादा समय नहीं दूंगा। कुछ सब्जेक्ट 80+20 के हैं, 70+30 के हैं, या आपके थ्योरी के मार्क्स हैं। कहने का मतलब 80 का होगा, 70 का होगा, 60, 50 या 30 का होगा। तो इसी मार्क्स का हमें टेबुलेशन करना है। प्रैक्टिकल के मार्क्स एज इट इज़ लग जाएंगे, उसको कुछ नहीं छेड़ना है आपको। वो अपलोड हो गया सो अपलोड हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर जैसा कि आप सभी को पता है कि 10th का 30% लग रहा है, 11th का 30% लग रहा है, और 12th का 40% मार्क्स लग रहा है। इसका भी एक्सप्लेनेशन पहले हो चुकी है, इसलिए मैं सिंपली इतना ही बताऊंगा। 30+30+40 टोटल 100% आउट ऑफ 70 और आउट ऑफ 80 और आउट ऑफ 60 जितना भी हो। और इस तरह से ये आपका 12th के रिजल्ट में इन्वॉल्व होगा। यहाँ पर आपको ये स्क्रीनशॉट भी पहले दिखा चुका हूँ, आप खाली एक व्यू देख सकते हैं। बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में दी जा चुकी है, तो इस पर भी मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाला हूँ, जस्ट टू सेव आवर टाइम। इसके बाद यहाँ पर है कि अगर 5 सब्जेक्ट से ज़्यादा हैं तो किस तरह से छठे सब्जेक्ट का जो है मार्क्स निकाला जाएगा, 7वें सब्जेक्ट का मार्क्स निकाला जाएगा। बेस्ट 3 का जब फाइनल हो जाए डाटा, तो बेस्ट 3 का मार्क्स लेकर के उसे आप उसका मीन ले लीजिए और उसे 70 या 80 में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसा आपको लगाना है 6ठे सब्जेक्ट में या 7वें सब्जेक्ट में। कोई नया सब्जेक्ट है उसका भी यही फॉर्मूला है। दिस वॉज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो। ये डेडलाइंस हैं, टाइमलाइन दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको डाटा वगैरह सबमिट करना है। तो ये तो हो चुका है फाइनलाइजेशन ऑफ रोड मैप एंड शेड्यूल बाय द कमेटी। अभी ये वाला प्रोसेस चल रहा है, तो इसके बाद ये सारी स्टेप्स होंगी, एक एक स्टेप्स, और उसकी डेट अल्टीमेटली लास्ट में 31 जुलाई रिजल्ट डिक्लेयर करने की डेट निश्चित की गई है। तो आइए हम लोग टेबुलेशन में चलते हैं, एक्सेल शीट में, और कुछ सीखते हैं। ये पिछली बार मैंने ये 3 ऑप्शन दिखाए थे यहाँ पर। आईपी का, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का मार्क्स कैसे कैलकुलेट किया था, 10th का 30% और 11th थ्योरी का 30%, और 12th के जो यूटी हुए हैं, प्री बोर्ड हुए हैं, मिड टर्म हुए हैं, उनको मिला करके 40% मार्क्स उठाया गया है। और फाइनली ये 12th का मार्क्स 70 में से निकाला था, उसका 40% ले लिया गया, ये आ गया। 11th का 30% ये आ गया, और 10th का 30% ये आ गया था। कैलकुलेशन का तरीका पिछली वीडियो में है इसका। तो ये आईपी का मेरा फाइनल मार्क्स आ गया, जिस तरह से आईपी का फाइनल मार्क्स आया है उसी तरह से दूसरे सब्जेक्ट्स के भी फाइनल मार्क्स निकाल लें और यहाँ पर अलग अलग शीट बना लें, और इस तरह से आपका ये मार्क्स तैयार हो गया। अब एक नई शीट में मैं ये सारे मार्क्स एंट्री कर देता हूँ। जो मेरा आईपी का मार्क्स था 61, 32, 45, 54, यहाँ पर जो मैंने कैलकुलेट किया 61, 32, 45, दूसरा वाला सेट लिया था मैंने, इसमें से फर्स्ट वाला सेट लिया था, 61, 32, 45, 54, 49, ये सारा डाटा मैंने मॉडरेशन के लिए यहाँ पर रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का वही डाटा यहाँ डाल दिया है।
बाकी और डाटा इसी तरह से इंग्लिश का, मैथ्स का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का फाइनलाइज करके हम लोग डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसी आईपी की ही तरह इमेजिनरी डाटा यहाँ पर डाल दिया है, आपके सामने दिख रहा है। इनके जो एवरेज आ रहे हैं वो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट कर लिया है। दिस इज द एवरेज, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का एवरेज है 67 पॉइंट समथिंग, 43 पॉइंट समथिंग, 44.8, 46.8, ये एवरेज आ रहा है। और एज पर द हिस्टोरिकल डेटा, यहाँ से मैंने एक हिस्टोरिकल डेटा वो बना लिया है, ये आपका 2017-18 पिछले 3 सालों में, 2018-19, 2019-20, तो ये भी कम था, ये भी कम था, और ये हमारा जो है बेटर दिख रहा है। क्यों बेटर दिख रहा है? क्योंकि जब ओवरऑल पूरा मीन निकाला गया था तो 18 का ओवरऑल मीन आया 60.35, 19 का 61.35 और 20 का आया 64.18। तो हाईएस्ट 2019-20 का था, तो इसलिए ये वाला डाटा जो है आपका रेफरेंस ईयर हो गया 2019-20, और उसमें इंग्लिश का जो मीन मार्क्स दिया है ये है, मैथ्स का ये है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, आईपी का, और ये सारे सब्जेक्ट्स का, ये छठा सब्जेक्ट यहाँ पर एडिशनल फिजिकल एजुकेशन है, सभी का ये मीन मार्क्स दिया हुआ है। हमें मेन 5 सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैं आईपी का देख रहा हूँ। आपके यहाँ जो कॉम्बिनेशन हो उस तरह से उन सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन आपको देखने पड़ेंगे। सो आई हैव सीन द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस इज द हाइएस्ट वन, दैट इज वाई इसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। अब सवाल आता है कि जो रेंजेस हैं वो कैसे हैं। रेंजेस में उन्होंने परसेंटेज में दिया था, जिस तरह से यहाँ पर आप देखें कि लेस देन 33% और ग्रेटर देन 33% और लेस देन 50, ग्रेटर देन इक्वल टू 50, लेस देन 75, ये परसेंटेज है। तो ये परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? 80 में से इसका परसेंटेज और 70 में से थ्योरी में से निकालोगे या 60 में से, तो कुछ और मार्क्स के फॉर्म में आएगा ये। जैसे लेस देन 33%, तो अगर 80 नंबर का पेपर है तो 27 नंबर हुआ, लेस देन 27, और अगर 70 नंबर का पेपर है तो बॉर्डर 23 है तो लेस देन 23 हुआ। इसी तरह से 33% ग्रेटर देन आर इक्वल टू एंड लेस देन 50% जब मैं निकालता हूँ, 80 नंबर का क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 27 एंड लेस देन 40। इसी तरह से अगर 70 नंबर का है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 23 मार्क्स एंड लेस देन इक्वल टू 35। इस तरह से सारी रेंजेज मैंने यहाँ पर निकाल दी मार्क्स के फॉर्म में। इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ये परसेंटेज के फॉर्म में था। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। तो हिस्टोरिकल डेटा आपका ऐसे दिया हुआ है, इससे मैंने परसेंटेज की बजाय मार्क्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। लेस देन 33%, 33% से 50% यहाँ पर ये सारा दिया हुआ था, तो उसको मैंने मार्क्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। 80 में से ये वाली लाइन है ऊपर वाली, और 70 में से ये नीचे वाली लाइन। ओके, 5 रेंजेस हैं, समझ में आ गया होगा। 5 रेंजेस हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 95 का मतलब अगर 80 में से है तो 76 से 80 तक, ये 95% है ग्रेटर देन इक्वल टू। और अगर वो 70 नंबर का पेपर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 66.5 एंड लेस देन इक्वल टू 70, दिस इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 95% मार्क्स। ओके, तो सबसे मेन चीज यहाँ समझने की है कि 80 या 70 में से अगर मार्क्स हैं तो उसे आपको देखना पड़ेगा कि 80 का 95% कितना हुआ और 70 का 95% कितना हुआ, तो इस हिसाब से वो रेंज बनाई जाएगी 75 to 95%। ये है 60 to 76, 52.5 to 66.5। इधर और के साथ जो मैंने लिखा है ये आउट ऑफ 70 है, और से पहले जो लिखा है वो आउट ऑफ 80 है। ज़्यादातर स्कूलों में 80 और 70 का रेशियो है। कुछ स्कूल होंगे जहाँ पर और सब्जेक्ट्स ऐसे हैं ऑप्शनल जहाँ पर आपका
क्या होगा, 60 मार्क्स का थ्योरी या 50 मार्क्स का थ्योरी होगा। आइए अब हम लोगों ने क्या किया बेटा, देखिए इंग्लिश के ये आपके मार्क्स हैं इतने हैं, मैथ्स के मार्क्स इतने हैं। अब 65.45 रिक्वायर्ड है यहाँ से। आप देखिए इंग्लिश का, रिक्वायर्ड मीन जो है वो 65.45 है अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस ईयर। देखिए यहाँ रेफरेंस ईयर 2019-20 इंग्लिश का 65.45 इट इज़ रिक्वायर्ड, ओके। मैथ्स का 55.84, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है कि इंग्लिश में हमें ज़रूरत है 65.45 मीन निकालने की। अगर ये इसमें एक रूल है कि ये प्लस माइनस 5 हो सकता है, तो 65 अगर रेफरेंस ईयर का है तो अगर प्लस 5 करें, हम माइनस 5 क्यों करेंगे, हम प्लस 5 करेंगे तो ये 70.45 तक हम लोग जा सकते हैं एट द मोस्ट, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है 65.45, सो वी कैन गो एट द मोस्ट 70.45। ये 55.84 है तो इसमें मैक्सिमम हम लोग 60.84 जा सकते हैं। ये जो एवरेज 67 पॉइंट में आ रहा है, ये 60.84 मैक्सिमम हो सकता है, इसे रिड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ पर 70 हो सकता है तो इसे लगभग 3% बढ़ाना पड़ेगा। 55.29 है तो यहाँ पर 43.73 आ रहा है, एक्चुअल परसेंटेज आपका मीन। इसको इंक्रीज करके आप यहाँ तक जा सकते हैं 55.29 तक, या 5 इसमें और प्लस कर दीजिए, 60.29 तक जा सकते हो आप 43.73 की बजाय। तो यहाँ कम होगा तो कहीं आपका बढ़ भी रहा है तो कोई नुकसान नहीं है, और बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली बढ़ रहा है देख रहे हैं आप, कहाँ 43 पॉइंट इतना मीन है, कहाँ 55 पॉइंट, या इसमें आप 5 करेंगे करेंगे तो 60.29 हो जाएगा। लाइक दैट इसका भी आप कर सकते हैं। ये आपका ओवरऑल मीन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स है। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, इसे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यस नाउ यू कैन सी। तो यहाँ पर आप देखें सबसे बॉटम साइड का ओवरऑल मीन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स अभी मेरा आ रहा है 54.0667, जबकि रिक्वायर्ड ओवरऑल मीन है 64.18। यहाँ पर हिस्टोरिकल में जा करके देखें 64.18 2020 का सभी 5 मेन सब्जेक्ट्स का मीन है ये दिया हुआ है, तो इसी के अकॉर्डिंग मुझे जो है इसे मॉडरेट करना है। अब देखिए एक चीज़ मैं यहीं पर बता दूं कि भाई ये मैंने सब इमेजिनरी डेटा लिया हुआ है, अभी हिस्टोरिकल डेटा साइट पर अवेलेबल नहीं है। कोई कमी रह जाए तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, और उसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं। मतलब एक बेस जो है मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ अपने हिसाब से, तो कोशिश है कि आपको ठीक लगेगा, मुझे यही लगता है। आइए कंटिन्यू करते हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए इसमें हमें क्या लाना है, 65 है तो मुझे, मैं 70 ले आऊँगा इसका एवरेज, और 70 तक मैं जा सकता हूँ, 70.45 तक जा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो लिखा हुआ है साफ साफ स्पष्ट रूप से। एक मिनट, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। किसी भी सब्जेक्ट का जो एवरेज है, मीन मार्क्स है, वो प्लस माइनस 5 हो सकता है, तो मैं माइनस तो नहीं करूँगा, मैं तो प्लस की साइड में जाऊँगा, तो अपने हर सब्जेक्ट में मैं प्लस 5 करना चाहूँगा। लेकिन ओवरऑल मीन जो आएगा वो लेस देन इक्वल टू द मीन ऑफ द एवरेज ईयर फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल मेन सब्जेक्ट्स, यहाँ पर बात हो रही है 5 सब्जेक्ट जो बच्चे के पास हैं उसकी बात हो रही है। तो ओवरऑल मीन जो हमारा आएगा वो रेफरेंस ईयर के ओवरऑल मीन से लेस और इक्वल टू होना चाहिए, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट के जो मीन हमारे होने चाहिए वो रेफरेंस ईयर के किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के मीन से प्लस माइनस 5 हो सकते हैं।
ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है। फिर भी यहाँ पर कहा गया कि ओवरऑल एवरेज फॉर ऑल सब्जेक्ट असिस्ट बाय द स्कूल शुड नॉट एक्सीड 66+2, यानी कि इसमें भी आपका 12th क्लास का प्लस टू हो सकता है। 62+2 68, 66+2 68 हो सकता है, ऐसा भी कह रहा है। ओके, समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं एक्सेल शीट में। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर तो फिर आपको बढ़ाना पड़ेगा, 65.45 की बजाय इसे 70.45 के आसपास पहुँचाना है, ठीक है। इसे भी उसी तरह से बढ़ाना होगा, तो इसे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करें, इसे कहीं पर टेम्प्रोरीली कॉपी कर लेते हैं। इंग्लिश का मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया, यहाँ पर मैं इंग्लिश का डाटा कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट पेस्ट कर देते हैं सीधा, ठीक है। अब हमें ज़रूरत क्या है, हमें ज़रूरत है कि इसका जो ये मीन है वो 65.45 होना चाहिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 65.45, ठीक है। और इसी प्रकार से, और इसका एवरेज कितना आ रहा है, मैंने यहाँ पर इसका एवरेज, एक्चुअल एवरेज निकाल लिया, क्या लिखूँगा, एवरेज और डाटा सेट सेलेक्ट कर दिया, E31 से E45 तक, ये 67.133 इसका एवरेज है, और ये मुझे चाहिए 65.45 में प्लस 5 कर लूँगा मैं, 70.45 चाहिए। तो इसको करने के लिए मैंने आपको 10th क्लास का जब मैं मॉडरेशन कर रहा था तो एक फार्मूला बताया था कि भाई अब किसी एक बच्चे का मार्क्स बढ़ाएं घटाएं तो वो ठीक नहीं है, आउट ऑफ 80 एक ही रेशियो में सभी बच्चों का मार्क्स बढ़ जाए और एवरेज मेरा 70.45 मेंटेन हो जाए, इससे प्लस 5 हो करके, तो दैट विल बी बेटर। उसे करने के लिए हम क्या करें, सवाल ये है। तो आइए यहाँ पर एक फार्मूला लिखते हैं, और यहाँ पर मैं लिखूँगा फार्मूला, क्या लिखूँगा, सबसे पहले इक्वल टू रेफरेंस ईयर का डाटा ये मेरा है, तो हमें रेफरेंस ईयर का ना लिख करके हमें देना पड़ेगा इससे 5 प्लस करके, तो 65.45 है, इसकी जगह मैं लिख दूँगा 70.45, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन करंट ईयर का जो मेरे पास है, इसको एंटर किया तो ये 104 यानी कि इंक्रीज होगा ये, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, इस डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा, ध्यान से देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं लिखूँगा फार्मूला इक्वल टू दिस मच मल्टीप्लाइड बाय दिस मच, एंटर, और डिवाइडेड बाय 100 भी करना है, सॉरी डिवाइडेड बाई 100, तो ये 50 की बजाय इंक्रीज होके 52.47 हो गया। आप देख सकते हैं इसको मैंने कॉपी कर दिया, लेकिन कॉपी करने में क्या है कि J48 क्या चीज़ है, वॉट इज J48, इसको कॉन्स्टेंट रखना है आपको, मतलब इसी से सब में मल्टीप्लाई हो, तो इसलिए J48 को $J48 कर देंगे तो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हो जाएगी, तो ये कांस्टेंट रहेगा फिर ये सभी रो के लिए। अब आप कॉपी करेंगे तो ये ज़ीरो नहीं आएगा, नाउ कैलकुलेटेड, ठीक है, ये आपको दिख रहा है सारा कैलकुलेट हो गया। तो इसका एवरेज अब आप अगर देखते हैं, यही वाला फार्मूला इसमें कॉपी कर देता हूँ, तो इसका एवरेज निकल जाएगा 70.45, इससे मैच कर गया ना, इससे प्लस 5, तो ये वाला डाटा अब विदाउट डेसिमल प्लेस उठा करके हम लोग वहाँ कॉपी कर दें, तो या डेसिमल के साथ कॉपी करेंगे तब भी ठीक है, विदाउट डेसिमल करेंगे तब भी ठीक है। तो इसको मैं विदाउट डेसिमल यहाँ पर कन्वर्ट कर लेता हूँ, कैसे करूँगा, इक्वल टू राउंड ब्रेकेट में ये वाली वैल्यू कॉमा ज़ीरो अप टू ज़ीरो डेसिमल प्लेस, तो आपका ये आ गया, ठीक है।
क्या आ गया, 52 आ गया। आपने फॉर्मूला क्या लिखा, राउंड F31 इसका कॉमा जीरो, तो इट हैज कम 52, 52.47 विल बिकम 52। इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब इसका एवरेज देखता हूँ, मेंटेन हो रहा है या 70.4 मेंटेन हो रहा है, ठीक है। अब ये वाला डाटा मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी करके, और चला गया मैं ऊपर शीट में, जहाँ पर ये सब था वहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, पेस्ट स्पेशल वैल्यूज। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पर उसकी जगह मेरा ये सब डाटा आ गया, 70.4 हो गया। अब इसमें 80 नंबर का है और मैंने इंक्रीज किया, कहीं 81 82 तो नहीं हो गया, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ, 80 80 ठीक है, 81 82 कहीं ना हो, तो नहीं है यहाँ पर। तो इसका एवरेज मैंने मेंटेन कर दिया कितना, 70.4। सिमिलरली सभी सब्जेक्ट के आप एवरेज यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं इसी तरह से, जैसे मैंने इसका किया। लीजिए एक का और भी फिर से दोबारा करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं ये वाला डाटा ले गया, कॉपी करता हूँ इसको कंट्रोल सी, ठीक है, एंड हेयर आई हैव पेस्टेड। फिर से यहाँ से देख लीजिए, ये डाटा मैथ्स का मैं लेके आ रहा हूँ, पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ मैथ्स, ये पूरा कॉलम भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ तक कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो लीजिए यहाँ पर ये आ गया, ये 50 पॉइंट ये हटा देता हूँ मैं। अच्छा देखिए, इसका जो एवरेज आपको दिख रहा है ये 67.8667 दिख रहा है, ये जो डाटा है करेंटली, ठीक है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। इसका देखिए फार्मूला, E31 से ये हाईलाइट हो रहा है, 80 से लेके 45 तक का जो डेटा है उसका एवरेज है इतना, और हमें लाना कितना है इसका एवरेज, अभी मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल। हमें लाना कितना है, हमें ये जो है रेफरेंस ईयर का मीन है, इस सब्जेक्ट का मीन रेफरेंस ईयर 2020 का 50.84 होना चाहिए। इसमें मैं 5 प्लस कर लूँ तो 60.84 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, 60.484 लेकर के ये काम करने वाला हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ क्या, रेफरेंस ईयर का एवरेज दैट इज 60.84 मैं चाहता हूँ, दिया है 55.4, लेकिन 5 प्लस कर सकता हूँ मीन में, तो मैं इतना चाहता हूँ मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन E6। E6 का मतलब जो करेंट करेंट ईयर का हमारा जो एवरेज है वो मैं लिख रहा हूँ, एंटर कर दिया। तो 89.64 अपॉन 100 से सब में मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, और मेरे मार्क्स जो हैं जो मैं बढ़ाना चाहता हूँ वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। कितना है यहाँ पर, एक मिनट, ये दिखने लगा आपको। अब मैं यहाँ पर करने वाला हूँ इक्वल टू दिस मच, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई दिस फिगर अपॉन 100। तो आप देख रहे हैं ये रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है, और फिर भी यहाँ पर वही चीज़ करना है, ऑब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए J48 की जगह पर डॉलर J और $48 में कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये तो इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, ऑटो फिल हैंडलर यहाँ प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ये रिड्यूस हो गया। कितना हमें बनाना है, 67.86 था, हमें करना क्या है, 60.84 करना है, तो कम करना है, इसलिए ये सारे उसी रेशियो में रिड्यूस हो गए। अब इसका एवरेज देखें कितना आया, 60.84 आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब इसको सवाल उठता है कि हम इसको राउंड अप कर लें यहाँ पर। राउंड अप कैसे करेंगे, राउंड, और ये आपने लिया वैल्यू कॉमा जीरो डेसिमल प्लेस, एंटर, तो ये 71.772 हो गया। आउट ऑफ 80 मार्क्स हैं ये सभी आपके, इसमें ध्यान रखना है कि कोई 81 82 ना हो जाए। तो यहाँ से चेक कर लीजिए एक बार, यहाँ पर कहीं भी
मैथ्स 80 मार्क्स का है तो 81 82 कोई नहीं है। अब इसका एवरेज एक बार देखते हैं कितना आया, वही है 68.86 हो गया राउंड अप होने पर, 84 होना चाहिए, तो इसमें कहीं पर एक आध नंबर कम कर देते हैं, तो मैं कहीं भी एक नंबर कम कर दीजिए 72। अभी तो मॉडरेशन में भी कहीं ना कहीं कमी होगी, कमी बेसी होगी, यहाँ पर मैंने ये कम कर दिया तो 60.8 हो गया, 60.84 मेंटेन करना था मुझे। सो नाउ दिस डेटा इज़ टू बी पिक्ड अप, ये डेटा आप यहाँ से उठाइए और सीधा ले जा कर के मैथ्स के नीचे यहाँ पर कॉपी कर दीजिए, पेस्ट स्पेशल वैल्यू, खाली वैल्यू पेस्ट होगी, यहाँ 60.8 एवरेज आ गया, देखिए 55.84 चाहिए था, 5 प्लस करके मैं इतना मेंटेन कर रहा हूँ, एवरेज मेरा मेंटेन हो गया। इसका भी हो गया 65.45 से 70.4 हो गया। सिमिलरली फिजिक्स केमिस्ट्री और आईपी सभी का आप मेंटेन कर सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा इसको उठा करके सीधा वहाँ पर कॉपी करता हूँ, इसे सॉरी ये पूरा ले लेता हूँ, आई एम टेकिंग दिस होल, कंट्रोल सी एंड कॉपिंग हेयर, पूरा मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पर, 70 नंबर का है लेकिन फिजिक्स, ये ध्यान रखना है। 55.29 में हम लोग प्लस करेंगे 5, तो होना चाहिए 60.29 मेंटेन। अच्छा 60.29 मेंटेन करने में आप यहाँ चेंज क्या करेंगे, चेंज करने से पहले आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, जहाँ 55.29 है, जहाँ 60.84 आप मेंटेन कर रहे थे वहाँ 60.29 यानी मेंटेन करोगे, यहाँ पर मैं 29 कर देता हूँ, 29, तो ये 43 था, काफ़ी बढ़ाना पड़ेगा, ये आ गया इंक्रीज करने का एक आपके पास फिगर आ गया, तो जो आप यहाँ पर लिख रहे थे J48/100, ये बिल्कुल है J48 ही है, उसे आपने एंटर कर दिया, देखिए ये फार्मूला, दिस वन मल्टीप्लाइड बाई $J$48/100 जैसा पीछे किया गया था, और इसे आप कॉपी कर दीजिए इन वैल्यूज के ऊपर, ओवरराइट हो जाएगी, यहाँ आ गया 55.29 का 60.29 मेंटेन हो गया। अब इसका जो है राउंड अप करना है हमें, और ये राउंड अप हो भी गया है शायद, क्योंकि 75.76 आ गया, ये आ गया, ठीक है, अब ठीक है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये 60.533 हो रहा है, जबकि 60.29 थोड़ा राउंड अप होने पर बढ़ गया है, तो मैं इसको एक तो ये 70 में से नंबर है तो ये 76 हो नहीं सकता है, तो इसे तो मुझे 70 करना पड़ेगा, 6 नंबर यहाँ पर कम हो गए, और देख लेते हैं ये 60.1 हो गया, 60.29 लाना है हमें, और देखिए ये 90 हो गया, 90 को आप नहीं कर सकते, ये 70, क्योंकि मैंने इमेजिनरी डेटा लिया था तो कहीं कमी बेसी हो गई है, उसे आप का जो ओरिजिनल डेटा है ऑटोमेटिकली वो मेंटेन करेगा। यहाँ पर 58.8 हो गया, जबकि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, 60.29 तक जा सकता हूँ, तो कहीं कहीं आप मैं यहाँ पर मार्क्स बढ़ा लीजिए, मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ पर 48 की बजाय 53 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये 59, हमें 60.29 चाहिए, 60.29 चाहिए, तो 55 को आप 60 भी कर सकते हो, वहाँ पर 90 में से 20 नंबर कम किया था, राइट, तो इसे मैं 45 कर देता हूँ, 39 को 59.8 हो गया, एंड दिस कैन बी डन सपोज 41 + 5 46, आई हैव डन 46, यू कैन सी 60.29 60.2 मेंटेन हो गया। अब ये वाला फिगर उठा करके मैं कंट्रोल सी करके और प्लेस कर देता हूँ कहाँ पर, ऊपर फिजिक्स वाले में, यहाँ पर पेस्ट स्पेशल वैल्यूज, तो आप देखें ये 60.2 हो गया, 50.5.29 से 5 प्लस कर दिया, इसका एवरेज बढ़ा दिया,
और सारे मार्क्स ठीक दिख रहे हैं, 70 से ऊपर कोई नहीं है। सिमिलरली मैंने केमिस्ट्री का कॉपी किया, केमिस्ट्री का कॉपी कर लिया, यहाँ पर केमिस्ट्री वाला पेस्ट कर दिया, पेस्ट। ठीक है, इसका जो एवरेज है केमिस्ट्री का, वहाँ से हमें लाना चाहिए था। केमिस्ट्री का एवरेज है कितना, 44.8। कंट्रोल सी, ये तो है ही, ये ऑलरेडी है। इसका ले लो आप 50.28, 54.28 यहाँ पेस्ट कर दिया, राइट। अब आप देखिए यहाँ पर, ये मैं 59.28 तक, ये 59.28, ये 59.28 आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ चेंज कीजिए, तो ये 54 का 59.28 कर देते हैं। यहाँ पर 54 का हमें चाहिए 59.28, ये चाहिए रेफरेंस ईयर का एवरेज। एंटर कर दिया। और अब इससे आप मल्टीप्लाई करिए, जहाँ पर J48 था इससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ई 31 इंटू J48/100। ठीक है फार्मूला तो, और बस ये 71 आ रहा है, इसे हमें ठीक करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। इसको मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया, ओके। तो 59.28 देखिए यहाँ पर मेंटेन हो रहा है एवरेज, ये 54 से प्लस 5 हो गया, फाइन। और इसका जो राउंड हमने पहले किया था, राउंड अप में ये फॉर्मूला देखें, हाँ अभी यहाँ पर राउंड अप में मैंने इसको ओवरराइट कर दिया था, ये फॉर्मूला के थ्रू, सॉरी, कंट्रोल जेड कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मैं राउंड अप करूंगा यहाँ पर, तो आई विल राइट फॉर्मूला राउंड ब्रैकेट में दिस फिगर कॉमा 0। तो ये 71.4 का 71 आ गया, ऐसे ही कॉपी कर दिया, तो ये 59.4 मेंटेन होने लगा। ये 71 फिगर हो नहीं सकती है, इसे मैंने 70 कर दिया, और देखिए कहीं 73 हो नहीं सकती, इसको मैंने 70 कर दिया, तो इट हैज़ बिकम 59.2, 59.2 मेंटेन हो गई। ठीक है, तो ये वाला फिगर मैंने पिक किया, और एक जगह और ये देखिए 79 हो रहा है, इसे आप 70 से ज़्यादा नहीं हो सकता इस सब्जेक्ट में, तो 70 मैंने इसको कर दिया। फिर से 58.6 हो गया ये, जबकि हमें 59.2 लाना है। तो मैं यहाँ पर कुछ बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर मैंने 40 को कर दिया 49, तो ये 59.2 हो गया, और इसे कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये फिगर इमेजिनरी है, इसलिए इसमें ऐसा हो रहा है बेटा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। किसका था ये, केमिस्ट्री का था। ठीक है, केमिस्ट्री में मैंने यहाँ पर किया पेस्ट स्पेशल वैल्यूज, ओके। तो डन, 59.2 इसका एवरेज में मेंटेन कर रहा हूँ यहाँ पर, राइट। सिमिलरली अब आप आईपी में आ जाइए, आईपी का डाटा मैंने पिक कर लिया सारा, और कॉपी एंड पेस्ट ओवर हेयर, पेस्ट सीधा कर दिया। तो अब इसका 55.35 था, हमें लाना पड़ेगा 60.35, और इसका बहुत कम है, 46.8 है। तो मैं यहाँ पर 60.35 से इसे मल्टीप्लाई करूँगा, 60.35, ओके, इंटू 100/100 करेंट ईयर का रेफरेंस दे दिया, वो E46 में है, E46 आपको दिख रहा है, E46 करेंट ईयर का, ये होता है रेफरेंस ईयर इंटू 100/100 करेंट ईयर का। रेफरेंस ईयर को मैं बढ़ा के लिख रहा हूँ, फिर नहीं तो इसका एड्रेस दे देता, 55.35 का एड्रेस दे देता। अभी 5 बढ़ा करके लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं 5 प्लस कर सकता हूँ, तो ये आ गया। अब इस फिगर से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, राइट। E31 इंटू दिस, ठीक है, अभी तो ये ओके है,
इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, तो सेम डाटा आ गया इसका। ये राउंड अप, इसे आपको राउंड अप करना पड़ेगा। सो आई विल राइट राउंड विद इन ब्रैकेट ये कॉमा 0। देखिए यहाँ 79 आ रहा है, इसे रिड्यूस करना पड़ेगा। तो 60.3 मेंटेन हो गया, बट हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। 79 को आपको 70 करना पड़ेगा। 74 हैज़ टू बी डन। 70 फिगर वहाँ इसका मतलब बड़ा लिया था हमने, ज़्यादा बढ़ा दिया, तो उसी रेशियो में सबका इंक्रीज हो गया मार्क्स। तो जो ऑलरेडी 70 ये क्लोज था वो 70 पार कर गया जब इंक्रीज हुआ। तो अब इसे 60.35 मेंटेन करना है, तो मार्क्स बढ़ाइए फिर से कहीं ना कहीं। 63, 49 को बढ़ा देते हैं, 49 को 55 कर दिया, 5 नंबर बढ़ा। यहाँ पर 41 को 5 बढ़ा देते हैं, तो हो जाएगा 46। ये अभी मॉडरेशन में फिर कम ज़्यादा करने पड़ेंगे। 60.2 हो गया ये, नाउ 60.3 करना है, तो इतना भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मॉडरेशन में तो प्लस माइनस करना ही पड़ेगा। 60.35 के काफ़ी करीब है, तो मैं यही डाटा वहाँ पर क्या कर लेता हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो आईपी का मेरा डाटा यहाँ पर रेडी हो गया, पेस्ट स्पेशल वैल्यूज। तो इसमें आप फिर से चेक कर लें, 70 से ऊपर कोई ना जा रहा, ठीक है, नहीं जा रहा है। अब ये मेरा जो डाटा है इसके अकॉर्डिंग यहाँ देखिए जो एवरेज मेरा आ रहा है सभी सब्जेक्ट्स का मिला करके, एवरेज ये कैसे निकाला गया, ऑल पूरे 5 सब्जेक्ट का जो डाटा है इसको पूरा सेलेक्ट करके आपने एवरेज निकाला है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ इसका एवरेज कैलकुलेट करके। तो मैं यहाँ लिखूंगा इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट रेंज, ये सारी आप कॉपी कर दीजिए, इतनी 5 सब्जेक्ट की ये रेंज मैंने कॉपी कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया, एंटर। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला क्या बना, एवरेज C5 से G19 तक, C5 से G19 तक, ये पूरा ये रेक्टेंगुलर एरिया जो आपका हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा है, ये इतने का एवरेज आ गया 62.16 ये। और हमें रिक्वायर्ड एवरेज था 64.18 जो कि पूरे साल का एवरेज था। तो मैंने मैक्सिमम मार्क्स इंक्रीज कर लिए हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। आप क्या कर सकते थे कि जो आपका रेफरेंस ईयर का मीन है 65.45 उसमें 5 प्लस कर सकते हैं, तो मैंने वो मेंटेन किया तो ये 70.4 हो गया। तो अब इससे आगे मैं नहीं कर सकता इसको, 71 नहीं कर सकता, 72 नहीं कर सकता। सिमिलरली ऑल इसमें 5 5 मैंने प्लस कर लिया है और एवरेज अब मैक्सिमम है मेरे पास, ये पूरा एवरेज अब मैक्सिमम है, इसमें मैं इंक्रीज नहीं कर सकता हूँ। तो इन सभी का जो मिला करके एवरेज है पूरा ओवरऑल ये 62.16 आ गया, जो कि 64.18 से कम होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए, +2 हो सकता है, लेकिन अब कोई चांस ही नहीं है कि मैं इसमें इस इन इनमें कहीं प्लस कर सकूं, क्योंकि इसमें कंडीशन लगा रखी है कि ये जो है इसमें +5 ही हो सकता है या -5। तो इसके चलते हम और इसमें इंक्रीमेंट नहीं कर सकेंगे और मेरा जो ओवरऑल मीन है वो रेफरेंस ईयर के मीन से कम ही है, इसलिए डाटा आसानी से अपलोड हो जाएगा। अब सवाल आता है कि हम मॉडरेशन कैसे करें, इसमें रेंजेस की चेकिंग कैसे करें, इस इन रेंजेस में कैसे लेके आए अपने डेटा सेट को, दैट इज द बिग क्वेश्चन। तो मैं इसमें आपको एक करके दिखा दूंगा, उसी तरह से सभी का हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए कि ये जो दिया है ये परसेंटेज में दिया हुआ है, कि इंग्लिश में 27 सॉरी लेस देन 27 यानी कि 33% से कम वाले 0 बच्चे थे रेफरेंस ईयर में 2020 में। ये 2020 रेफरेंस ईयर का है, हिस्टोरिकल डेटा वहाँ से उठाया गया है मान लीजिए।
33% से 50% के बीच में 2.38% बच्चे थे। दीज आर द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन इन दीज रेंजेस, ग्रेटर देन इक्वल टू 50, लेस देन 75% मार्क्स वाले बच्चे थे 30.56% बच्चे, 53.17%, 13.89% बच्चे। तो ये परसेंटेज में है, राइट? ठीक है, तो इतने ही परसेंटेज बच्चे इस लैब में होने चाहिए। आपके पास टोटल 15 बच्चे हैं, अगर 15 का 0% हम निकालेंगे तो हमें रिक्वायर्ड कितना है, 0। 15 का 2.38% तो कुछ पॉइंट में आएगा, 0 point something, इसलिए यहाँ पर 0 आया, राइट? इसके बाद 30.56% ऑफ 15, क्योंकि देर आर टोटल 15 स्टूडेंट्स, आप अपने हिसाब से लेंगे 100, 200, 400 जितने भी, तो उसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 5 आता है, 5 बच्चे इस रेंज में होने चाहिए। 53.17% ऑफ 15 8 स्टूडेंट होना चाहिए, 13.89% ऑफ 15 2 स्टूडेंट होना चाहिए। इस तरह से देखें, 5, 8, 13, 2, 15, ये 15 स्टूडेंट कंप्लीट होते हैं। आपका जो एक्चुअल डेटा है ये, ठीक है, इसमें क्या फॉर्मूला है, 15 into $L5/100 कॉमा 0 से राउंड अप भी कर दिया है, तो ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 15 बच्चों के लिए अपॉन 100, क्योंकि ये परसेंटेज है, राउंड अप कर दिया गया कॉमा 0 लगा करके, नहीं पॉइंट में आएगा, तो आपकी ये जो वैल्यूज हैं ये आने लगी, ठीक है, ये 0 आ गए। सिमिलरली यही फार्मूला यहाँ कॉपी किया गया है, L को फिक्स रखा गया है यहाँ पर, कॉलम L सभी में, नहीं तो कहीं M N हो जाए, रिलेटिव रेफरेंसिंग हो जाएगी, तो इसलिए डॉलर L। 6 को फ्री किया गया है, तो ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरह से ये फार्मूला है। इसके बाद एक्चुअल हमारे पास कितने बच्चे इस समय इंग्लिश में हैं जो कि इस रेंज में हैं, किस में, लेस देन 27 मार्क्स वाले, तो इसके लिए फार्मूला है काउंट इफ C$5, C$19। सी जो है हमारी ये रेंज है इंग्लिश की, देखिए यहाँ से ये ब्लू कलर की रेंज आपको दिख रही है, सिलेक्टेड है C5 से लेके C19 तक के जो बच्चे हैं, और उनमें मैंने काउंट इफ फंक्शन लगाया है, कॉमा लेस देन 27, तो 0 बच्चे आ रहे हैं। ऐसे ही ऐसे बच्चे जो 27 से 40 की रेंज में है, फॉर्मूला देखिए, जहां मल्टीपल कंडीशन होती है वहां काउंट इफ्स एस लग जाता है, जहां पर सिंगल कंडीशन थी काउंट इफ लगा था, यहां देखिए इसी तरह से, तो यहां पर काउंट इफ्स पहली रेंज, रेंज तो सेम है C5 से C19 इंग्लिश वाले मार्क्स, कॉमा ग्रेटर देन इक्वल टू 27 इन्वर्टेड कॉमा में एक कंडीशन दे दी, कॉमा फिर से वही रेंज दिया C5 से C19, फिर से कॉमा लगा करके लेस देन 40, तो इसमें देखा तो 0 स्टूडेंट, हमारा जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश के नीचे जो मार्क्स हैं उसमें इस रेंज में 0 स्टूडेंट है। सिमिलरली ग्रेटर देन इक्वल टू 40 लेस देन 60, इस रेंज में देखा तो 2 स्टूडेंट हैं वहाँ पर, और यहाँ पर 8 स्टूडेंट हैं, इसमें 5 स्टूडेंट हैं इस रेंज में। हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए, ठीक है, एज पर द रेंज और परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन गिवन इन द रेफरेंस ईयर 2020। तो अब हमें यानी कि यहाँ पर 5 चाहिए, यहाँ पर 8 ठीक है, और यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 2 चाहिए, राइट? तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम हायर रेंज से क्या करें, उनको हमें लो करना पड़ेगा थोड़ा, इस 8 में से इसे 3 इधर लेना पड़ेगा, तब यहाँ पर ये 5 होगा, यहाँ पर बच जाएगा कितना, 5 बच जाएगा, फिर ये 3 यहाँ से उठा करके कम करेंगे उनके मार्क्स, तो ये यहाँ पर 8 हो जाएगा। आइए इसको हम लोग मॉडरेट करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से एक सब्जेक्ट का मॉडरेशन मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह से हर सब्जेक्ट का आप मॉडरेशन कर सकते हैं।
चलिए डाटा में चलते हैं। तो ये मेरा डाटा है, इसमें मैंने सारा डाटा आपका जो है ये सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से यहाँ तक डाटा सेलेक्ट कर लिया। इसकी पहले सॉर्टिंग कर लीजिए। सॉर्टिंग कैसे करेंगे, डाटा में जा करके सॉर्ट, और किस पर सॉर्टिंग करनी है, इंग्लिश के मार्क्स पर, इंग्लिश के मार्क्स, इंग्लिश 80 और वैल्यूज लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर लीजिए। ओके, अब आपके जो मार्क्स हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इंग्लिश के अरेंज हो गए, इंग्लिश के मार्क्स के अकॉर्डिंग ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। अब हमें इन रेंजेस के हिसाब से सेटिंग करनी है, तो देखिए कैसे सेटिंग की जाएगी। इसे कलर दे देंगे हम लोग, पता चल जाएगा कौन सा किस कलर का है, किस रेंज में है। इसके लिए हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स, पहली कंडीशन है लेस देन 27, तो यहाँ मैं लिखूंगा 27, ठीक है, लेस देन 27। किस कलर में, रेड फिल कलर में, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। कोई भी डाटा, सॉरी पहले आपको डाटा सेलेक्ट करना पड़ेगा तब आप ऐसा करेंगे। ये सेलेक्ट कर लिया, आप कंडीशनल में जाइए, हाईलाइट में जाइए, लेस देन में जाइए, यहाँ पर 27 लिख दिया और यहाँ पर लाइट रेड फिल, ओके। तो अभी कोई भी इस रेंज में नहीं है और हमें चाहिए भी नहीं। अब डाटा सेलेक्टेड रहने दीजिए। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, बिटवीन में आ जाइए। बिटवीन कहाँ से, 27 ग्रेटर देन इक्वल टू 27 एंड 40 लेस देन इक्वल टू 40 लेस देन 40। तो हम लोग इसको देखते हैं कि दोनों तो नहीं इन्वॉल्व हो जाएगी, तो मैं इसको लिख देता हूँ 39.9 तक, ठीक है। कलर यहाँ से डिफाइन कर लीजिए, येलो कर देता हूँ, येलो फिल। तो इस रेंज में भी कोई अभी डाटा हमारे पास नहीं है। नाउ अनदर कंडीशन बिटवीन, अगला रेंज है ग्रेटर देन इक्वल टू 40, सो आई विल राइट 40 हियर अप टू 60, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 60, लेस देन 60 है हालांकि, तो ऑटोमेटिकली इसका जो कलर है ग्रीन ले लेता हूँ, तो ये ग्रीन कलर में आपका आ गया। देखिए यहाँ पर दो ऐसे हैं जिनका ये आ रहा है ग्रीन कलर में, दे आर इन द रेंज 40 to 60। दो रेंजेज और अपने को डिसाइड करनी है, हाईलाइट बिटवीन, दूसरी 60 से लेके और 76 तक, ये वाली रेंज 76 इसमें इन्वॉल्व हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे लेस देन 76 मीन्स 75.9, 76 इसने छोड़ दिया, ठीक है। और देयर आफ्टर लास्ट आपको देना है बिटवीन 76 to 80। कलर मैं दे देता हूँ इसको कस्टम कलर में फिल और ग्रीन दे चुका हूँ, ब्लू दे देता हूँ, तो ये आपका ये वाली रेंज हो गई, ठीक है। ये कौन सी रेंज है, 60 to 76 है, ओके। नाउ अब हमें यहाँ से डाटा देखना है थोड़ा सा और, यस। अब आप देख सकते हैं कि ये रिक्वायर्ड हमें यहाँ पर दो है,
ठीक है, यहाँ पर दो ही चाहिए, तो ये 80-80 वाले हम लोग दो रख लेते हैं, बाकियों को रिड्यूस करके नीचे वाली रेंज में ले आते हैं। ठीक है, नीचे वाली रेंज है 60 to 75, तो यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा इसे 75, तीन नंबर कम हुए, 75 तीन नंबर कम हुए, और 75 यहाँ भी मैं कर देता हूँ, तो यहाँ देखें 11 हो गए। ठीक है, 75 75 75 मैंने कर दिया, दैट इज द लास्ट रेंज, इसलिए यहाँ पर ऐसा आ गया। ठीक है, दैट इज 60 to 76, 11 स्टूडेंट हो गए। अब क्या करना है, यहाँ से आपको 5 स्टूडेंट इधर रखने हैं, 8 स्टूडेंट यहाँ रखना है, तो 5 स्टूडेंट और लोअर में ले जाना पड़ेगा, कम नंबर वाले देखिए उनको लोअर में ले जाइए। तो लोअर उससे रेंज कौन सी है, उससे रेंज है 40 से 60, 40 से 59 तक। तो एक तो मैं इसको कम कर देता हूँ, बॉटम साइड वाले को 60 से कम, दैट मीन्स इसे हम 59 कर दें, ग्रीन हो गया, इसे भी 59 कर दें तब ग्रीन होगा, बॉर्डर पर रख रहे हैं, और एक और आपको 59 करना पड़ेगा, 59 कर दिया, तो ये मेरा बॉर्डर पर आ गया। ठीक है, अब आप देखें यहाँ से दो दो मैच कर रहा है, आठ आठ मैच कर रहे हैं, पांच पांच मैच कर रहे हैं, 8 5 13 to 15 स्टूडेंट्स हैं, जितनी रिक्वायर्ड थी यहाँ से देख सकते हैं, जितना रिक्वायर्ड था उतना मुने हमने एक्चुअल कर दिया। लेकिन सवाल उठता है कि क्या मेरा जो ये था मीन, वो मेंटेन हो रहा है, तो 65.45 में मैंने कहा था कि ये 70.45 होना चाहिए, तो 70 की बजाय अब 68 हो गया, कम हो गया, तो अब आपको मार्क्स यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज करने पड़ेंगे, और रेंजेज वही रहनी चाहिए, तो आप कैसे करेंगे ये ध्यान से देखिए। ठीक है, ये जो रेंज है आपकी आठ वाली, इसमें 60 to 76 मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे, तब ये 70 की रेंज में आना चाहिए। अब 75 तो लास्ट है, 75 लास्ट है, इसको मैं बढ़ा सकता हूँ, इसको मैं बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, यहाँ बढ़ा सकते हैं, यहाँ बढ़ा सकते हैं, तो इसमें जो नीचे वाले हैं बॉटम वाले उनको ऊपर ले आइए, आई हैव डन इट 75, ओके, ठीक है, आई हैव डन इट 73, तो सिक्स देखिए नीचे एवरेज भी, यहाँ पर हमें 70.45 से ऊपर नहीं जाना है, इसको ही मैंने कर दिया 74। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर 69.4 तक हम पहुँच गए, 70.4 तक पहुँचना है। अब ये 59 वाली जो रेंज है, यहाँ देखिए 59 वाली रेंज, जिसमें आपका 40 से लेके 59 तक है, तो 59 59 59 सारे 59 हो चुके हैं, एक इसको मैं 55 या 56 करके देखता हूँ, तो 69.66 तक आप पहुँचे हैं, अगर इसको भी 59 कर दिया जाए तो मैक्सिमम 69.86 तक हम पहुँच रहे हैं, और इसे हम 75 तक ले जा सकते हैं, हालांकि यहाँ पर 15 बच्चों का ही है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है मॉडरेट करने में, सभी सेम नंबर पर आ रहे हैं, जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वहाँ पर आसानी से मॉडरेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसको भी मैंने 75 किया, तो ऊपर वालों को 75, ये इसको 73 ही रहने दीजिए, 74 73 रहने दीजिए। अब यहाँ पर आपको बच्चे को देखना पड़ेगा कि बच्चा किस रेंज का है, उसके अकॉर्डिंग आप मॉडरेट करेंगे। ठीक है, बच्चे को देखना पड़ेगा इन दोनों बच्चों में किसको ज़्यादा दिया जाए किसको कम दिया जाए, तो यहाँ 70 हो गया, और इसको थोड़ा सा और आगे शिफ्ट कर देता हूँ, 74 कर देता हूँ, तो ये 70.0 हो रहा है, इसको भी मैं 74 कर देता हूँ, तो ये 70.1 हो गया, जबकि हम 70.4 तक जा सकते हैं, तो मैं क्यों ना इसको 75 कर दूँ, इसे भी 75 कर दूँ, और इसको भी 75 कर दूँ, क्योंकि हमें पहुंचना है कहाँ तक, 70.4 तक पहुंचना है, तो हम लोग लगभग सबका जो है कर चुके हैं,
और होल नंबर में पहुंच गए, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर कम हैं इसलिए ऐसा करना पड़ा। तो आपके वहाँ काफ़ी स्टूडेंट होंगे, तो उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा स्टूडेंट कमज़ोर है, कौन सा तेज है। यहाँ पर ये रेंज भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, देख रहे हैं ये, वो ऐसे कैसे मेंटेन होनी चाहिए यहाँ पर 582 582 00। तो वो हमारी मेंटेन्ड है, हम उसी कलर में कर रहे हैं चेंजेस, तो उन कलर्स में हम मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच चुके हैं। तो मैंने मैक्सिमम मार्क्स दे दिए हैं, इसके बाद अब इंक्रीज नहीं हो सकता है। तो एवरेज में थोड़ी कमी ज़रूर है, जब आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर वेरिएशन करने के ज़्यादा गुंजाइश रहेगी आपके पास, और कंपेरिजन भी कर सकते हैं कौन सा बच्चा तेज है या कमज़ोर है, उसके अकॉर्डिंग किसका ज़्यादा बढ़ाना है किसका कम बढ़ाना है। तो इस तरह से हम लोग जो है मॉडरेशन कर सकते हैं। एक तरीका मैंने आपको एक सब्जेक्ट के बारे में बताया है, इसी तरह से दूसरे सब्जेक्ट्स का भी आप मॉडरेशन कर सकते हैं, और इन परसेंटेज को यानी इस मीन को मेंटेन रखना है। तो मेरा आप यहाँ पर लास्ट में देख सकते हैं कि मेरा जो रिक्वायर्ड ओवरऑल मीन है वो रेफरेंस ईयर का जो दिया है 64.18 दिया है, लेकिन मेरा अभी 62.14 आ रहा है। हो सकता है इनमें कहीं आपको मेंटेन करने का और मौका मिल जाए, जिससे ये तो खैर इतना ही रहेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा हो नहीं सकता, हमने मैक्सिमम यहाँ पर ले लिया है, इससे ज़्यादा हम बढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए इसका कोई बढ़ने का अब चांस नहीं है। और ये 62.14 इज़ लेस देन 64.18, तो ये अपलोड करने के लायक है, इस मीन से इसको कम होना चाहिए। और लेस देन और इक्वल टू वहाँ दिया है, फिर बाद में ये भी दिया है कि दो नंबर बढ़ाए जा सकते हैं। उस दो नंबर का क्या है बढ़ाना, जब एक जगह लिखा जा रहा है कि इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस फिगर 64, ये वाला लेस देन इक्वल टू 64.18 होना चाहिए, तो वहाँ पर दूसरा लिखा हुआ है कि प्लस टू कर सकते हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट, तो वो चीज़ क्लियर नहीं है मुझे। तो इस तरह से जैसे मैंने ऐसे मॉडरेशन आपको करके दिखाया, इस तरह से और सब्जेक्ट्स में भी मॉडरेशन किए जा सकते हैं, और बच्चों को आप देख रहे हैं कि इसमें मैक्सिमम फ़ायदा हो रहा है, सभी बॉर्डर पे पहुंच गए। तो ये बार बार मैं बता रहा हूँ कि 15 स्टूडेंट हैं, कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इसलिए यहाँ पर सभी के मार्क्स बढ़ा करके बॉर्डर तक पहुँचाना पड़ा इस मीन को मेंटेन करने के लिए। अदरवाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होने पर उनके हिसाब से उसमें वेरिएशंस किए जा सकते हैं। ठीक है, अब ये तो आपका रहा मॉडरेशन, अब इसको हम उसी फॉर्मेट में दोबारा ले आते हैं। तो हमें क्या करना है, कंडीशनल में जा करके क्लियर रूल्स लिख देना है, क्लियर सेलेक्टेड, यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये इतना मैंने सेलेक्ट किया, और कंडीशन में जा करके क्लियर रूल्स कर देता हूँ, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। तो ये सेलेक्टेड सेल से रूल्स कलर वाले हट गए, अब मैं इसको जैसा था डाटा मैं उसे कर देता हूँ, कैसे था ये सीरियल नंबर के ऑर्डर में इसकी सॉर्टिंग दोबारा कर दी जाए, सॉर्ट और सीरियल नंबर वैल्यूज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है, ओके। तो अब आप देखें आपका डाटा सारा जैसे पहले था उस तरह से ये अरेंज हो गया 8059, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ मॉडरेशन इज़ टू बी डन, ये एक सब्जेक्ट का मॉडरेशन मैंने इंग्लिश का करके आपको दिखा दिया। इसके बाद आपका आता है कि ये जो छठा सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, आप देख रहे हैं इसका जो मार्क्स है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। जैसा कि इसमें आपको दिख रहा है कि ये इंग्लिश 80 का है, मैथ्स 80 का है, और बाकी सब्जेक्ट 70 के हैं, फिजिकल एजुकेशन 6 सब्जेक्ट है जो कि 70 मार्क्स का है। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर ये तीन जो बेस्ट सब्जेक्ट हैं उनका एवरेज निकाल करके वो इसमें डालना है फिजिकल एजुकेशन में, तो तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स जो बेस्ट वाले हैं इसमें, तो पांचों में से पांच मेन सब्जेक्ट्स में से, तो दो दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 80 के हैं, तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 70 के हैं, तो इसका एवरेज कैसे निकलेगा बेस्ट थ्री का। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारा डाटा मैं उठा करके कॉपी कर लेता हूँ कहीं दूसरी जगह पर, कंट्रोल सी किया और मैंने
यहाँ पर कॉपी कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया। और अब मैं क्या करूँगा, इंग्लिश और मैथ्स को 70 में कन्वर्ट कर लूँगा, राइट। इंग्लिश और मैथ्स को मैं 70 में कन्वर्ट कर लेता हूँ। कैसे करूँगा कन्वर्ट, ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैंने अभी इंग्लिश और मैथ्स का जो 70 70 यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। ये है आपका ENG 70 और ये MATH Math 70, ये आउट ऑफ 70 है। सपोज कर लीजिए दिस इज आउट ऑफ 70, फाइन। ये 70 मार्क्स में से हो गया। आफ्टर दैट व्हाट इज टू बी डन, अब मैं इसका फॉर्मूला यहाँ लिखता हूँ इंग्लिश का 70 में कन्वर्ट करने का। तो आई विल राइट इक्वल टू दिस मच, इतने मार्क्स मुझे 80 में से मिले हैं, तो 70 में से कितने मिलेंगे, दिस मच इंटू 70 अपॉन 80। तो ये देखिए 80 में से 80 थे, तो ऑब्वियसली 70 में से 70 हो गया, है ना। अकॉर्डिंगली ये सारा कैलकुलेट हो गया। अब लेकिन यहाँ पर हम इसको राउंड अप करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ सामने लगा देता हूँ राउंड, ठीक है, राउंड और ब्रैकेट एक लगाया, और इस फॉर्मूला के एंड में लिख देता हूँ अप टू 0 प्लेसेस, यहाँ क्लोज कर दिया। द सेम फॉर्मूला इज टू बी कॉपीड डाउन। तो ये जो मार्क्स अब आ रहे हैं इंग्लिश के, वो आउट ऑफ 70 हो गए। सिमिलरली अगर मैं इसको यहाँ पेस्ट कर दूं, तो ये 40 का 35 हो रहा है आउट ऑफ 70, ठीक है। इसके एडजेसेंट सेल है, या इसमें भी वही फार्मूला लिख दीजिए आप अलग से। मैं एडजेसेंट सेल थी तो वैसे यहाँ पर कॉपी कर दिया, तब भी हो जाएगा। अगर आप फार्मूला लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। फार्मूला क्या बनेगा, इक्वल टू दिस मच मल्टीप्लाइड बाई 70 अपॉन 80। ये हो गया, इसको आप राउंड अप कर दीजिए, इसमें लगाइए राउंड, ब्रैकेट स्टार्ट, आगे चले गए कॉमा 0 अप टू 0 डेसिमल प्लेसेस, और इसी को नीचे तक ड्रैग कर देंगे, कॉपी हो जाएगा ये फॉर्मूला। ये देखिए, तो अब इंग्लिश और मैथ्स जो है वो 70 70 में कन्वर्ट हो गया। अब मेरे पास ये पांचों सब्जेक्ट 70 के बराबर है, बराबर बराबर है। इसमें से बेस्ट 3 सब्जेक्ट का एवरेज निकाल करके फिजिकल एजुकेशन में लग जाएगा। अब मैंने यहाँ लिख दिया फिजिकल एजुकेशन, राइट। फिजिकल एजुकेशन इज ऑल्सो ऑफ 70 मार्क्स, चलिए लिख दिया। यहाँ पर अब आप फार्मूला क्या लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने लगाया सम इक्वल टू सम ऑफ लार्ज ऑफ, कहाँ से कहाँ तक का लार्ज लेना है आपको, ध्यान से देखिए। ये 80 80 अब छोड़ दीजिए, अब ये पांचों सब्जेक्ट 70 वाले क्लिक कर लिया, तो ये लार्जेस्ट कितनी वैल्यू लार्जेस्ट लेनी है, कॉमा लगा करके कर्ली ब्रैकेट में 1 फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, 3 वैल्यूज जो लार्जेस्ट होंगी वो, क्लियर। और हमारा जो सम है ये तो हो गया किसका, लार्ज का ब्रैकेट हो गया, लार्ज का ब्रैकेट हो गया अपॉन, अगर 3 लिख दिया जाए सम का, अपॉन 3 लिख दिया जाए तो एवरेज हो जाएगा। कुछ यहाँ पर एरर दिखा रहा था, सम का 1 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, 1 ब्रैकेट यहाँ बंद हो रहा है, और सम का दूसरा ब्रैकेट, सॉरी, ये दूसरा ब्रैकेट सम का यहाँ बंद कर दीजिए, देन डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए, 63.33 आ गया, ठीक है। इसमें आप राउंड अप लगा दीजिए जिससे पॉइंट हट जाए। तो यहाँ सामने मैंने क्या किया, राउंड, ब्रैकेट स्टार्ट, और आखिरी में जा करके यहाँ पर कॉमा 0 कर दिया, अप टू 0 डेसिमल प्लेसेस, तो ये 63 हो गया। फिर से फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला
फॉर्मूला देख लीजिए, मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ, एक मिनट, सॉरी, पहले बड़ा कर दिया। अब फॉर्मूला देख सकते हैं आप, लार्ज रेंज लिया कहाँ से कहाँ तक का लार्ज, कितनी लार्जेस्ट वैल्यू, 3, 1, 2, 3, उसका मैंने सम किया है, सम का ब्रैकेट यहाँ बंद हुआ है आखिरी में ये, और सम जब निकल गया, यहाँ तक जब निकल गया तो डिवाइडेड बाय 3 कर दिया और बाहर से राउंड फंक्शन लगा दिया, तो आपका 63 आ गया। इसकी आप कॉपी कर दीजिए नीचे तक, यहाँ तक ये जो मार्क्स आ गए फाइनली, दीज आर द मार्क्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इन मार्क्स को यहाँ से मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद यहाँ ले जा करके फिजिकल वाले में पेस्ट स्पेशल वैल्यूज, यस, नाउ दीज आर द मार्क्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसका एवरेज देखना चाहते हैं क्या आ रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका एवरेज 63.06 आ रहा है, ठीक है। हिस्टोरिकल डेटा में आप देखना चाहते हैं तो फिजिकल का जो एवरेज है 57.17 दिखाया गया है, 57 में 5 प्लस कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, और मेरा कितना आ गया, 63.0। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसका हमें एवरेज मेंटेन नहीं करना है, वी हैव नॉट टू मेंटेन द एवरेज ऑफ द 6 सब्जेक्ट। 6 सब्जेक्ट का एक ही फंडा बताया गया है, एक ही फॉर्मूला बताया गया है कि आप बेस्ट 3 सब्जेक्ट का एवरेज 6 सब्जेक्ट में लगा दीजिए, और एवरेज जो यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है, मेन 5 सब्जेक्ट का एवरेज मेंटेन किया जा रहा है। तो इस तरह से जैसे मैंने आपको अभी ये सिखाया है कि किस तरह से आप मेन 5 सब्जेक्ट, मेन 1 सब्जेक्ट का मैंने आपको क्या करके दिखा दिया, रेंजेस भी मैच करके दिखा दी यहाँ से, और मॉडरेशन भी 1 सब्जेक्ट में आपको करके दिखा दिया, पांचों सब्जेक्ट में किस तरह से आप 6ठे सब्जेक्ट का मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं बेस्ट 3 का एवरेज निकाल करके, और अगर डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स के हैं बेस्ट 5 सब्जेक्ट, तो उसमें से सबको पहले बराबर कर लो, फिर उसमें से 3 बेस्ट निकाल के उसका एवरेज आपको इसमें लगा देना है। तो ये चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप अपना टेबुलेशन शीट, एक बार ये सारी तैयार हो गई तो आप समझ सकते हैं कि भाई अमन के इंग्लिश में कितने आएंगे, मैथ्स में कितने आएंगे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, आईपी में और फिजिकल एजुकेशन में कितने कितने नंबर आएंगे, इसका टोटल निकाल करके देख सकता है वो बच्चा, परसेंटेज निकाल करके देख सकता है, कोई बच्चा भी देख सकता है, और टीचर्स अपने टेबुलेशन फाइनल मार्क्स मेरे किस किस सब्जेक्ट में कितने आएंगे, कैसे उसे CBSE की साइट पर अपलोड करना है, वो फाइनल डाटा आप तैयार करके रख सकते हैं। तो यहाँ 2-3 चीज़ें विशेष करके देखनी है, एक तो जो मेरा ओवरऑल एवरेज है 62.1467 आ रहा है, जो कि 64.18 से कम है, कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो एक जगह वहाँ पर +2 लिखा है, वो मेरे फंडा समझ में नहीं आया इसलिए मैं उसको क्लियर नहीं कर पाऊंगा। हाँ, इतना जरूर समझ में आया है कि आपका ओवरऑल मीन से कम होना चाहिए आपके सभी 5ों सब्जेक्ट का मीन। दूसरी चीज़ ये समझ में आई है कि आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट का जो रेफरेंस ईयर के मीन दिए हैं उसमें आप +5 कर सकते हैं, -5 कर सकते हैं, तो ज़्यादातर मैंने क्या किया है, सभी के मीन में +5 मेंटेन किया है, +5 मेंटेन किया है। तीसरी चीज़ ये है कि आप रेंजेस मेंटेन करें, इधर एक्चुअल आपका डाटा क्या कहता है, और एज पर द हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है, कितने बच्चे किस रेंज में होने चाहिए। यहाँ से मैंने आपको ये इंग्लिश का करके दिखा दिया, सिमिलरली आप दूसरे सब्जेक्ट का भी कर सकते हैं, क्योंकि और सब्जेक्ट का बताने में बहुत बड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि वैसे ही काफ़ी टाइम इस वीडियो के बनाने में लग गया। अब ये मैं सारा यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसकी नॉर्मल फॉर्मेटिंग कर देता हूँ इसको करके, और यहाँ से मैंने फॉर्मेट पेंटर से इसे सही कर दिया। तो ये आपकी शीट हो गई तैयार, हालांकि मैंने अभी सारे सब्जेक्ट में वेरिएशंस नहीं किए हैं, मॉडरेशन भी नहीं किए हैं, रह गया है यहाँ पर एक्चुअल और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी मेंटेन करना रह गया, लेकिन आपको शायद समझ में आ गया होगा कि
कि किस तरह से हम लोग हिस्टोरिकल डेटा के साथ लेकर के मैच और मॉडरेट कर सकते हैं। हिस्टोरिकल डेटा तो अभी सीबीएसई की साइट पर अवेलेबल ही नहीं है, ये मैंने एक इमेजनरी सा बना लिया है अपने लिए, आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। जहाँ तक मुझे जो समझ में आया है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको देने की कोशिश की है डेमोन्स्ट्रेशन पूरे डेटा सेट की। बाकी हो सकता है कि कहीं कोई त्रुटियाँ हों, गलतियाँ हों, तो आप उसे करेक्ट कर लेना अपने नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि इंसान तो गलती का पुतला है, कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। फिर भी मैंने जो बेसिक चीज़ है वो आपको देने की कोशिश की है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो का समापन करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। फिर भी कोई कमेंट है, आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपने सुझाव। और चूंकि वीडियो बन चुकी है तो सुझाव देंगे तो हो सकता है कि वो किसी और टीचर के काम आ जाए, कमेंट सेक्शन में ऐसी कमेंट्स आप लिखेंगे तो। और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, मैक्सिमम शेयर और लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपका वीडियो देखने के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।